नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका इंचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज का ये व्लॉग जो लोग जंगल में आग लगाते हैं उनकी मानसिकता को दर्शाता हुआ एक कटाक्ष है कि उनकी सोच कैसी है। चंबा के सराउंडिंग एरिए में जितने भी जंगल हैं यदा कदा उनमें लोग आग लगाते रहते हैं, और इस वर्ष तो स्थिति और भी ख़राब है कि जंगलों में सूखी घास है और लकड़ी जो सब कुछ वन संपदा है वो बिल्कुल सूखी है क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। और ये जो असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी सोच पता नहीं कैसी होती है, जिनके दिमाग में ये होता है कि हम आग लगा देंगे तो उससे क्या होगा, पता नहीं इनके दिमाग में ये रहा होगा कि अगर हम आग लगा देंगे तो इससे जो है जो धुआं है वो आसमान में जाएगा तो बादल बनेंगे और बारिश होगी, लेकिन ऐसा भी हम नहीं सोच सकते हैं। ये चंबा के नज़दीक लगता हुआ एक एरिया है और बन्नू बिहोड़, और इसके साथ में ये सामने जो है उटी पंचायत है, और इसकी ये सामने एक शामदार की पहाड़ियां हैं और उसके साथ में ये बन्नू का जो है वो पहाड़ है, और किसी शरारती तत्व ने यहाँ पर जो है वो आग लगाई है। आग लगाने वाले की मानसिकता कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि इस आग में वन के कितने ही जीव जंतु जो हैं वो जलकर स्वाहा हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बारिश तो आएगी या नहीं आएगी इसका तो कुछ पता नहीं है। इतनी आग लगने के बावजूद भी आसमान तो बिल्कुल नीला है, बिल्कुल साफ है, उसमें तो कहीं बादल का नाम निशान नहीं है। इस वर्ष का ये सूखा, कहते हैं कि 20 वर्ष का सूखा जो है वो हिमाचल में, कुदरत जो है मौसम दोहरा रहा है, और ऐसे में इस वन संपदा को आग लगाने वालों की सोच के ऊपर तरस आता है। जहां समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पौधे लगाते हैं और वनों को बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो, अभी तो शाम का थोड़ा सा वक्त हुआ है और इसमें ही इन लोगों ने इतनी सारी आग जो है वो लगा दी है। अगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो इतने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर इतनी लंबी पाइपें उनके पास भी कहाँ होती हैं, लेकिन इनके साथ जो नज़दीक घर हैं उनके लोग जो हैं वो घरों से बाहर आकर देख रहे हैं इस आग को। अभी तो ये दूर जंगल में है, लेकिन हो सकता है रात होने तक ये आग जो है वो घरों के नज़दीक तक पहुँच जाए। तीन तरफ के एरिया में आग जो है वो लगाई गई है। एक तो सामने जो ये स्रोथा का नाला है उसके नीचे जो आकर यहाँ पर अभी नए घरों के निर्माण हुए हैं इनके साथ ही ये आग लगी है, और दूसरी जो है वो सामने जो है वो बन्नू की जो पहाड़ी है जो ऊपर से आकर नीचे पुराने पावर हाउस के साथ मिलती है उसी की दरमियान में जो है वो आग लगाई गई है। ये ITI कॉलेज और उसके साथ पुराना जो है वो ऐतिहासिक भूरी सिंह का जो है वो पावर हाउस, और उसके साथ लगता हुआ ये बन्नू का पहाड़, और उसमें लगाई गई ये शरारती तत्वों द्वारा आग। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इस आग के भड़कने की आवाज़ भी ज़्यादा हो रही है और इसकी लपटें भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये चीड़ का वनों का एक वन है, चीड़ के जो पेड़ हैं वो इस वन में लगे हुए हैं बहुत अधिक मात्रा में। इसके साथ के जितने भी घर हैं उनको पूरी रात जो है अपने घरों की सेफ्टी के लिए जागना पड़ता है, और वो जागेंगे, वो अपने अपने घरों के पास जितना हो सके उतना पानी का स्रोत रखते हैं, जब आग बहुत नज़दीक आती है तो वो इसे बुझाने की कोशिश करते हैं। बिजली की तारें जो हैं वो भी घरों को सप्लाई की हुई होती हैं, वो भी घरों के साथ ही होती हैं, और ऐसे में वहाँ से भी कोई हादसा होने का बहुत अंदेशा रहता है।
लेकिन आग लगाने वालों को इसकी कोई परवाह नहीं, वो तो आग लगा कर जा चुके हैं। काश उन्हें इतनी समझ हो कि ऐसे आग लगाना जो है वो कानूनन जुर्म भी है और एक बहुत बड़ा पाप भी है, कि इस आग में वन के जीव जंतु जो हैं वो अकारण ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अक्सर हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसी आग लगती है और हर साल ऐसे ही वन संपदा का नुकसान होता है। अब इस आग ने एक विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है और ये बढ़ती ही जा रही है। एक धनुष के आकार में ये जो है अब फैल गई है। किसी की जान माल का नुकसान ना हो, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं और जो आग लगाने वाले असामाजिक तत्व हैं उन्हें भी सद्बुद्धि आए कि वो ये इतना बड़ा पाप जाने अनजाने में जो करते हैं उससे वो बाज आएं और ऐसा ना करें।